मेरे साथियों आपको सौ सौ सलाम। केंद्र सरकार में रहते हुए हम तेलंगाना के लिए जितना कर सकते हैं वो हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने निजाम की हुकूमत, देश तो आजाद हुआ था लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था, बैठा था कि नहीं बैठा था। एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी भलाई के लिए आया है। हमने तेलंगाना में नेशनल हाईवे, नई रेल लाइनों, नए अस्पतालों का निर्माण किया है। भाजपा सरकार ने यहां बीआरएस सरकार को तेलंगाना के विकास के लिए भारी धनराशि भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बीआरएस ने तेलंगाना के लोगों के लिए भेजा गया जो पैसा भेजा ना, उसमें भी लूट चलाई। लूट सके तो लूट, यही उनका मंत्र है। ना कुटुंब सभ्युलारा, भारत जैसे लोकतंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं। और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। तेलंगाना के निर्माण के लिए हजारों परिवार संघर्ष करते करते तबाह हो गए, अनेकों नौजवानों ने बलिदान दिया, माताएं बहनों ने मुसीबतें झेली, लेकिन एक परिवार ने सब कुछ कब्जा कर लिया और उन परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तेलंगाना में बस एक ही परिवार ने यहां के लाखों परिवारों के सपनों पर कब्जा कर लिया है। वर्तमान तेलंगाना में या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं है। बस यही काम, लूटो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आपके एक वोट का उपयोग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं? इन लोगों ने तेलंगाना में भाई भतीजावाद
और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान देश के युवा को उठाना पड़ता है। जब पूरा सिस्टम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है, तब वो परिवार सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक उन्हीं लोगों की भर्ती करता है जो उनके करीबी हो। तेलंगाना के नौजवानों को वो अवसर नहीं मिलता है। फिर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तेलंगाना के तेजस्वी युवा को भी कोई मौका नहीं मिल पाता है। इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष परिवार के बजाय सामान्य मानवीय और उसके परिवार के लिए काम करती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के लोगों को ये कांग्रेस से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको देश समाज कुछ लेना देना ही नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है, नकार चुका है। और आप तो जानते हैं, कांग्रेस जिस राज्य में से एक बार जाती है फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री। ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दो, सच बता दो, बता दो, बता दो भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना, शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई, 48, किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा,
हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट पे पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक मंद हो गए? अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे है, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं, मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था, उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे, मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने अब एक नई बात शुरू की है, ये तो मैंने केसीआर का पुराण बताया, अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या, जब तुम कह रहे हो तो
तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या, कांग्रेस स्पष्ट करे आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या। मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी चूरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है ना 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक, इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है, सरकार ने कब्जा कर लिया है, मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है, मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक, अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या, उनका कब्जा करेंगे क्या, उनकी प्रॉपर्टी को दे लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरे सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में ही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए, ये झूठी बातें मत करिए, लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कांग्रेस को, इंडी अलायंस को इस बारे में भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस के साथी जो तमिलनाडु में राज करते हैं, जो केरल में राज करते हैं,
जो तेलंगाना में राज करते हैं, जो कर्नाटका में राज करते हैं, ये सारे साथियों को कांग्रेस से बात जवाब देना पड़ेगा। साथियों, आज देश में सबसे बड़ी जरूरतमंद, सबसे बड़ी जरूरतमंद, जिनको डगर डगर पर मदद की जरूरत है, वो कौन है? हमारे देश के गरीब परिवार है। अगर आज इस देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो जाति गरीब है। और इन गरीबों की सबसे बड़ी जाति, उनकी सेवा, उनका कल्याण, उनकी प्रगति, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमारी सरकार ने पिछले 9 सालों से गरीब कल्याण के लिए दिन रात मेहनत की है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेने का पवित्र काम हमने किया है। और इसलिए मेरे लिए तो जाति अगर कोई है, देश की सबसे बड़ी जाति कोई है, तो गरीब है। और अगर गरीब को गरीबी से बाहर निकालेंगे ना, तो ये देश समृद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही मोदी का सपना है, यही मोदी की गारंटी है, यही मोदी का संकल्प है, और यही मोदी की साधना है, यही मोदी की तपस्या है। और मैं अन्य सभी राजनीतिक दलों से भी आज आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं देश के सभी राजनीतिक नेताओं को, सभी दल के मुखियाओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूं, आइए, आजादी के 75 साल हो गए, आइए गरीबों के कल्याण पर विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए विचार करें, गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाए, गरीबों के उत्थान के लिए काम करें। कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना विरोधी ये लोग चुनाव से पहले जनता को कुछ छोटे लाभ देकर अगले 5 साल तक तेलंगाना को लूटने का अधिकार हासिल कर लेते हैं। हमें तेलंगाना में इस परंपरा को अब उलट कर देना है। भाइयों बहनों, उसको रोकना है। रोकोगे क्या? रोकोगे क्या? तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। आज भी कांग्रेस और बीआरएस तेलंगाना के लोगों से विश्वासघात कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ऐसे ही बड़े वादे किए और अब उन्हें पूरा करने के लिए 15 अलग अलग शर्त रख रही है। पहले तो बोल देते ऐसा करेंगे, फिर कहते ऐसा होगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो नहीं करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे, उधर वाला होगा तो क्यों भाई, जनता को मूर्ख बना रहे हो? यहां बीआरएस ने भी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का झूठा वायदा किया। कांग्रेस और बीआरएस का रवैया बिल्कुल एक समान है। चुनाव से पहले आसमानी वादे करो और चुनाव के बाद सारे वादे भूलकर अपनी तिजोरी भरो। कुटुंब सभ्युलारा,
बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने वायदे पूरे करने का है। पिछले कुछ महीनों से आप सब देख रहे हैं कि केंद्र सरकार लाखों युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसकी घोषणा पिछले साल हुई थी। इस मेले के जरिए देश के हर कोने में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र, पब्लिकली नियुक्ति पत्र देने का काम हमने किया है। तेलंगाना के युवाओं को भी इसके जरिए, हजारों तेलंगाना के युवाओं को आज भारत सरकार में हमने काम दिया है। यहाँ के युवा ये देख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट और पारदर्शी तरीके से हुई है। तेलंगाना में से एक भी शिकायत नहीं आई कि नौकरी मिली लेकिन किसी को मोदी को पैसा पहुंचाना पड़ा, ऐसी एक घटना नहीं आई है भाइयों। इसलिए बीआरएस के युवा विरोधी रवैये और इसकी सरकार को यहाँ के युवा करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं। मेरी बात सही है ना? युवाओं ने तय कर लिया है ना, ये जाएगा ना, बीआरएस जाएगी ना, पक्का जाएगी ना। मैं तेलंगाना के युवाओं से भी कहूंगा, हमारे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार आते ही बीआरएस के पापों को मैं एक एक खोल करके रख दूंगा, उनकी सारी बुराइयों को निकाल करके रहूंगा और अभियान के तौर पर करके रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कैसे लूट रहे हैं। यहां के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ऐलान किया। इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के किसान आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बीआरएस गवर्नमेंट ने उनके साथ फिर हर वादे को तोड़ा है। बीआरएस सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। यहां सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई लेकिन या तो उन्हें पूरा नहीं किया गया या फिर बिना तैयार किए उनका उद्घाटन करके फोटो खिंचवाते रहे। दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने ना सिर्फ किसानों की मदद का वादा किया बल्कि 40 लाख किसानों के खातों में करीब 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कोई कटकी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई चोरी नहीं। हमने एमएसपी बढ़ाने का वादा किया, उसे भी पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है, पूरी करके रहता है। ना कुटुंब सभ्युलारा, हर जिले के किसी एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उसका उत्पादन और एक्सपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चला रही है। इस योजना के तहत निजामाबाद के हल्दी को प्रमोट किया जा रहा है और हल्दी की जब बात आती है ना, मैं खास करके मेरी तेलंगाना की बहनों को आज शत शत नमन करना चाहता हूं। मैं तेलंगाना की किसान माताओं के चरण मेरे माथे पर लेता हूं। उस चरण रथ से मैं अपने आप को एक पवित्र प्रसाद के रूप में ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ तेलंगाना की माताएं बहनें हल्दी की खेती में दिवस रात मेहनत करती, इतना ही नहीं वो खेती की पैदावार करती, ऐसा नहीं, लेकिन कोविड के समय हल्दी ने दुनिया के बहुत लोगों को राहत दी है। पूरी दुनिया में हल्दी पहुंची है। दुनिया को बीमारी से मुक्त रखने का काम
ये मेरी तेलंगाना की और मेरी देश की हल्दी पैदा करने वाली माताओं बहनों ने की है और इसलिए मैं उसे नमन करता हूं। और इसलिए महबूब नगर में ही मैंने इससे जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है, हमने किसानों से किया एक और वादा पूरा कर दिया, हल्दी उगाने वाले किसान भाइयों के लिए उनके विकास के लिए अब देश में नेशनल टर्मरिक बोर्ड उसका करण किया जाएगा। ये बोर्ड हल्दी की उपज को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विस्तार देने में मदद करेगा। इस निर्णय का बड़ा लाभ तेलंगाना के किसानों को भी होगा। मैं एक बार फिर तेलंगाना के किसानों को, निजामाबाद के किसानों को और खास करके हल्दी के खेत में काम करने वाली मेरी लाखों माताओं बहनों को आज टर्मरिक बोर्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, आप बीजेपी को एक मौका दीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका चाहिए। देंगे? मुझे सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपकी सेवा करने का मौका देंगे? मुझे आपके दुख दूर करने का मौका देंगे? मुझे आपके पाई पाई की कमाई को बचाने का मौका देंगे? मुझे आपका भला करने का मौका देंगे? मुझे तेलंगाना के तरुणों का, नौजवानों का, यूथ का भला करने का मौका देंगे? ऐसा उमंग मेरा वादा है, जो कहा है वो करके रहूंगा। हम दिखाएंगे कि तेलंगाना कितनी ऊंचाई पर जा सकता है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बन गई तो यहाँ का विकास भी डबल ताकत से, डबल तेजी से, डबल गति से होने वाला है। बीजेपी तेलंगाना की लूट बंद करेगी, बीजेपी तेलंगाना के युवाओं को नए अवसर देगी, बीजेपी तेलंगाना की महिलाओं को मान सम्मान और सुरक्षा देगी, बीजेपी तेलंगाना में ईमानदार और पारदर्शी शासन लाएगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, चाहे गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो या किसान हो, भाजपा समाज के हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना के लोग अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग का आशीर्वाद हमें देते रहेंगे। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहूंगा, हर बूथ को जीतिए, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतिए। कमल घर घर पहुंचे, कमल हर दिल में पहुंचे, कमल के दिल में हर तेलंगाना का नागरिक और तेलंगाना के हर नागरिक के दिल में कमाल। हम मिलकर तेलंगाना के लिए लोगों की आकांक्षा पूरी करेंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, यही हवा का रुख बता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।